हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले केफोसी बी क्रीम्स के बारे में। केफोसी बी क्रीम्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों का यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए, तो किस पर काम करता है, तो केफोसी बी क्रीम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या आप भी अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। स्वागत है केफोसी बी क्रीम, जो कि हमारे पास 10 ग्राम्स का क्रीम से, जिसकी एमआरपी की बात तो उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज हो जाती है। आज जो हमारे पास क्रीम से उसकी एमआरपी 146। केफोसी बी क्रीम्स को केवी लैब्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। केफोसी बी क्रीम्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें, उसके अंदर कंपोजिशन से हैं फुसेरिक एसिड्स एंड बिक्लोमेथासोन डाइप्रोप्रियोनेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। केफोसी बी क्रीम्स का यूज़ के बारे में बात करें, उसका इस्तेमाल ये ट्रीटमेंट करता है स्किन इन्फेक्शंस में। केफोसी बी क्रीम्स का इस्तेमाल बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीवों के कारण होने वाली तवसा इन्फेक्शंस के इलाज के लिए किया जाता है। ये इन्फेक्शन फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को मारकर उनके विकास को रोककर काम करता है, जिससे इन्फेक्शन ठीक हो जाता है और लक्षणों से राहत मिलती है। ये खुजली, लालिमा और सूजन जैसे लक्षण पैदा करने वाले केमिकल्स की रिलीज को भी रोकता है, इसलिए ये क्रीम्स इन्फेक्शन के कारण होने वाली सूजन से राहत दिलाती है। केफोसी बी क्रीम्स ये ट्रीटमेंट करता है स्किन इन्फेक्शन में। केफोसी बी क्रीम्स किस प्रकार काम करता है। केफोसी बी क्रीम्स के अंदर दो मेडिसिन रहती है, यानी कि फुसेरिक एसिड्स और बिक्लोमेथासोन डाइप्रोप्रियोनेट्स, जो तवसा के इन्फेक्शन का इलाज करता है। बिक्लोमेथासोन डाइप्रोप्रियोनेट्स एक स्टेरॉइड से एक उस केमिकल मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को रोकता है, जो तवसा में लालिमा, सूजन और खुजली पैदा करते हैं। फुसेरिक एसिड्स एक एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरिया द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रोटीन के संश्लेषण को रोककर बैक्टीरिया वृद्धि को रोकता है। केफोसी बी क्रीम्स को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस क्रीम्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से केफोसी बी क्रीम्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें, तो केफोसी बी क्रीम्स के बारे में कुछ भी डाउट तो भी कमेंट सेक्शन बताएं। केफोसी बी क्रीम्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ और नॉलेज के लिए था। कोई भी क्रीम्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।